तो दोस्तों हम आ चुके हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यहाँ पर जो दी गई सूचना है उसका विवरण हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और देखिए यहाँ पे RTI के द्वारा यहाँ पे सूचना प्राप्त करी जो कि 4/12/2019 को यहाँ पर जारी कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मांगी गई सूचना है और दी गई यहाँ पे सूचना का विवरण। और यहाँ पर देखिए वर्तमान में आयोग द्वारा किन किन पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है जिसके अध्याचन आयोग को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कृपया पदों का विवरण दें। यहाँ पर लगा रखा था, एक फ्रेंड था जिन्होंने यहाँ पर लगा रखा था, मैंने कल एक वीडियो बना रखा था यहाँ पर, लेकिन उसमें जो है एक ही पेज था हमारे पास, लेकिन उन्होंने तो पूरा पेज भेजा नहीं था, तो अब जो है दूसरा पेज हमको मिल गया है। तो उसमें क्या क्या लिखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आयोग ने जो है यहाँ पर क्या कहा था, आयोग को प्राप्त अध्याचन जिनका वर्तमान में परीक्षण कार्य गतिमान है की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। तो यहाँ संख्या 12 में देख सकते हैं ऐसा यहाँ पर लिखा गया, और पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो चलते हैं हम सीधे यहाँ पर इस पेज में जो कि यहाँ पर लिखा गया है उस वाले पेज में चल जाते हैं सीधे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए पोस्ट की बात करें, यहाँ पर देखिए क्रम संख्या देख सकते हैं, और यहाँ पे जो कि पोस्ट का नाम है और यहाँ पे रिक्तियों की संख्या है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर लिखा गया है। पहला है यहाँ पर पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, जो कि यहाँ पर एक पोस्ट है, और यहाँ पे पूर्ण अध्याचन प्राप्त हुआ है ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे पूर्ण अध्याचन प्राप्त हुआ, सभी जो है पूर्ण अध्याचन प्राप्त हो चुका है इनको, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2, जो कि यहाँ पे 29 पोस्ट हैं, और अपर अभियंता जो कि 11 पोस्ट हैं, वैज्ञानिक सहायक जो कि 5 पोस्ट हैं, प्रयोगशाला सहायक जो कि यहाँ पे 8 पोस्ट हैं, अनुबंध सहायक जो कि यहाँ पे 9 पोस्ट रखी गई हैं। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आगे देख लेते हैं इसमें, और यहाँ पर देखिए अधिदर्शक, ठीक है, प्रदर्शक जो कि रेशम में है, 23 पोस्ट हैं, और सहायक अध्यापक, ठीक है, LT। यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल, यहाँ पर देखिए 747 पदों के लिए ये है। आप लोग देख सकते हैं इसका यहाँ पर अध्याचन यहाँ पर जारी हो चुका है। और उसके साथ साथ नीचे देखें तो यहाँ पर देखिए सहायक अध्यापक, और यहाँ पर देखिए गढ़वाल मंडल जो कि 672 पोस्ट के लिए यहाँ पे अध्याचन जारी हो, जो कि टोटल पोस्ट को जोड़ें तो 1431 पोस्ट के लिए होगा। और इससे पहले 1280 आने वाली थी, लेकिन 100, ठीक है, 151 जो पोस्ट थे वहाँ पर कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो अब जो है बढ़कर पोस्ट हैं 1431। और वहीं देखिए शहरी संख्या अधिकारी है, 29 पोस्ट हैं, और यहाँ पे धारा सहायक है, ठीक है, 3 पोस्ट हैं, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है, 37 पोस्ट हैं, इस तरीके से आप देखें तो। और भी हम यहाँ पर देखें तो ये पेज भी पड़ा है हमारे पास, और इसमें देखिए पुस्तकालय लिपिक है, 9 पोस्ट हैं, प्रयोगशाला सहायक भौतिकी है, और प्रयोगशाला सहायक रसायन है, प्रयोगशाला सहायक जंतु है, जबकि 38, 45, 5 इस तरह की पोस्ट हैं, देख सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति है, ठीक है, 39 पोस्ट हैं, प्रयोगशाला जो सहायक भूगोल है 37 पोस्ट हैं, और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान है 15 पोस्ट हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी का है, ठीक है, 16 पोस्ट हैं। और मेन बात देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, यानी कि यहाँ पे 106 पोस्ट लिखा गया है, और ग्राम विकास अधिकारी जो कि 324 यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पर लिखा गया है। और फोटोग्राफर है वन द्रोह का, यहाँ पर देखिए वन द्रोह की भी आपकी आने वाली ही भर्ती है, इसमें अध्याचन जारी हो चुका है इसका भी। तो वन द्रोह का जो कि वन विभाग में 316 पदों के लिए यहाँ पे आने वाले हैं, यू की त्रिपल के पास यहाँ पर पहुँच चुका है। और पर्यवेक्षक है, ठीक है ना, जो कि उद्यान विभाग में 10 पोस्ट हैं। तो टोटल जो है काफ़ी पोस्ट हैं इन सभी में, और भी पेजेस थे यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़े से यहाँ पेज कम मिले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इन पेजों के अनुसार, क्योंकि ये भर्तियाँ जो हैं आपके यहाँ पर आने वाली हैं, जो कि RTI में यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर खुलासा हुआ है, RTI में, जो कि यू की त्रिपल एससी के बाद जो है अभी यहाँ पर वर्तमान समय में इन भर्ती के लिए यहाँ पर अध्याचन हो चुका है, ठीक है ना। अब बात करें ये वैकेंसी जो है कब तक यहाँ पर फिल करेगा, हालांकि कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता आपको कि कब तक फिक्स डेट कब तक हो जाए, लगभग जो है अप्रोक्सीमेट जो है यूपी त्रिपल एससी जो है फरवरी तक, या ठीक है जनवरी लास्ट या फरवरी तक यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि अभी देखते हैं यू के त्रिपल सी कब तक यहाँ पर कर पाता है, ठीक है ना। आप अभी तो कोई प्रॉब्लम चल नहीं रही है, लेकिन यू के त्रिपल सी के आज फिलहाल ये वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, इन वैकेंसी के माध्यम से हैं काफ़ी यहाँ पर पोस्ट हैं। तो तैयारी करते रहें, जो भी LT शिक्षक भर्ती वाले हैं बिल्कुल यहाँ पर तैयारी में जुड़ते रहें, क्योंकि काफ़ी टाइम कम मिलता है आजकल इन पेपरों के लिए, क्योंकि कम से कम 2 महीने में यह पेपर हो, एग्ज़ाम डेट है आपको जब नोटिफिकेशन आता है उसी टाइम यहाँ पे
सुनवाई हो जाती है उसका प्रस्तावित, लेकिन कम से कम 2 या 3 महीने के अंदर अंदर जो है भर्ती जो है आज के टाइम में देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे पेपर हो जा रहा है सभी भर्तियाँ, तो काफ़ी टाइम कम समय मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर तैयारी में लगे रहें। तो ये भर्ती जो है अध्याचन योग्यता प्रदर्शी यहाँ पर RTI के द्वारा जहाँ हमें प्राप्त हुआ है। तो उस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।